नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राग भैरवी। जी हां दोस्तों, राग भैरवी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आज मैं आपको राग भैरवी सिखाने वाला हूं हारमोनियम पर। दोस्तों बहुत ही बेसिक से हम इसको सीखेंगे, क्या इसके आरोह होते हैं, कौन से अवरोह होते हैं, क्या इसकी पकड़ होती है, दोस्तों कौन कौन से इसमें स्वर यूज होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इस राग भैरवी के बारे में जानकारी करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बजाना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसको बजाना सीख जाते हैं तो अपने हारमोनियम पर दोस्तों इस राग में बॉलीवुड के भजन, दोस्तों कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 70% गाने इसी राग में गाए जाते हैं। तो आप इस राग को अगर सीख जाते हैं तो दोस्तों इसी राग में इन्हीं स्वरों पर बहुत सारे भजन गाने आप अपने हारमोनियम पर खुद से बजा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद से बजा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आज राग भैरवी का परिचय आपको बताऊंगा, और दोस्तों मैं कुछ भजन और सॉन्ग आपके लिए लेकर आया हूँ जो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसी राग में और इन्हीं स्वरों पर ये गाने ऐसे निकलते हैं और ऐसे। राग भैरवी के बारे में मैंने आरोह, अवरोह और पकड़ और इसका थोड़ा बेसिक मैंने लिख दिया है जो कि आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसका यह आरोह है। कुछ देर बाद हम इसको हारमोनियम पर भी प्ले करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आरोह सा और कोमल रे, कोमल गा, मा पा, कोमल धा, कोमल ली और सा। देखिए दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें रे, गा और धा और नी, इसमें जो ये स्वर हैं इसमें कोमल यूज होते हैं और बाकी के सभी स्वर इसमें शुद्ध होते हैं। तो बात यह है कि चार स्वर, जो हमारे चार स्वर होते हैं रे, गा, धा, नी, ये इसमें कोमल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अवरोह की बात करेंगे। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, ऐसे ही इसकी ये अवरोह है। तो दोस्तों नी, धा, गा, रे लौटते समय हम इसको कोमल लगाएंगे। अब इसकी पकड़ है, आइए हम हारमोनियम पर इसको अच्छे से जान देखते हैं किस तरीके से है। इसको दोस्तों मैं यहाँ रख लेता हूँ और हारमोनियम पर हमें इस चीज़ को हम प्ले करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। देखिए ऐसे करके, तो मैं पहले काली से इसको बजाऊँगा यहाँ से, और यहाँ से हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले हम इसके आरोह बजाएंगे, उसके बाद में अवरोह, फिर पकड़। देखिए दोस्तों समझिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा दोस्तों इसके आरोह अवरोह हुए। हम बजाते हैं पकड़। पकड़ किस प्रकार है, आइए हम देखते हैं। सा रे गा मा गा रे सा धा नी रे सा ये दोस्तों इसकी पकड़ हुई। हमने इसके स्वर के बारे में जान लिया कौन कौन से दोस्तों इसमें स्वर होते हैं। रे गा धा नी, ये दोस्तों कोमल होते हैं, रे गा धा नी, बाकी के सारे स्वर इसमें शुद्ध होते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये राग है। आइए हम दोस्तों इस राग में फिल्मी गाने, भजन किस प्रकार हैं हम उनको जानते हैं, और दोस्तों अच्छे से हम इनको समझेंगे। एक दो बार
आप इसको दोस्तों इसकी आरोह पकड़ और अवरोह जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप दो चार बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्वर इसमें लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नए नए गाने जो इस राग में हैं आपके दिमाग में आते रहेंगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार है, मैं थोड़े दो चार गाने जितने भी हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों पहला गाना ले लेते हैं, एक दोस्तों बहुत ही सुपरहिट गजल ले लेते हैं और आइए हम उसको देखते हैं। देखिए उसी राग में है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। बहुत ही शानदार ये गजल है, आप इसको इन्हीं नोट्स पर आसान तरीके से बजा सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा गाना ले लेते हैं दोस्तों, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। दूसरा गाना ये हो गया। तीसरा गाना ले लेते हैं दोस्तों, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको कुछ गाने बताए हैं। और एक देखिए दोस्तों नवरात्रि आने वाले हैं, एक बहुत ही सुंदर एक भेंट है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। इसी में एक और आ जाती है, तूने मुझे बुलाया सेरा वालिए मैं आया जोता वालिए, ओ सेरा वालिए पहाड़ा वालिए ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया सेरा वालिए मैं आया जोता वालिए। ये दोस्तों इसी राग में ये हो गया। और दोस्तों बहुत सारे गाने इसी राग में हैं, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, और हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और दोस्तों एक और गाना, ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे गाने बता दिए हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। दोस्तों बहुत सारे गाने हैं जो एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, पर बट दोस्तों मैं आपको आधार बता दिया है कि इन स्वरों पर आप अगर इन स्वरों को राग भैरवी को समझेंगे तो इन्हीं स्वरों पर बहुत सारे गाने हैं जो आप बता सकते हैं, जो आप अपने हारमोनियम पर बजा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा इस तरीके की वीडियो का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।